हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगी, शिक्षण व्यू रचनाएं। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज द साइंस और आर्ट ऑफ प्लानिंग टू ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज बाय द टीचर। यानी एक ये प्लानिंग करते हैं हम, एक टीचर प्लान करता है ताकि वो अपने सारे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन कर सके। तो इट इज़ द साइंस कह लें या आर्ट ऑफ प्लानिंग कह लें स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी मीन्स व्यू रचना, ऐसी व्यू रचना बनाना जिससे कि हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी, जिनको हम टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं, और दूसरा है डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी, प्रजातांत्रिक, जिन्हें हम चाइल्ड सेंटर्ड भी कहते हैं। दोनों को मैंने साथ लिखा ताकि आप इनको डिफरेंस जो है वो आराम से पता कर सकें। तो पहला हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी, जिन्हें प्रभुत्ववादी नीतियाँ भी कहा जाता है। इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इसमें क्या है, टीचर रिमेन्स एक्टिव। इन स्ट्रैटेजी में शिक्षक हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है टीचर। दूसरा, टीचर ऑक्यूपाइज द प्रोमिनेंट प्लेस। जो टीचर का स्थान है वो मुख्य होता है। स्टूडेंट्स एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा आर नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस। यानी स्टूडेंट्स की जो भी नीड है, जो भी उसके अंदर क्षमता है, जो भी उसका रुझान है, उन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी जो टीचिंग कराई जाती है वो टीचर खुद अपने हिसाब से करता है, ना कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से। एंड फोर्थ वन इज़ द टीचिंग इज़ प्रोवाइडेड ऑन द मेमोरी लेवल। तो यहाँ पर केवल जो टीचिंग है वो मेमोरी लेवल पर बताई जाती है, क्योंकि टीचर का जो प्लेस है वो क्या है, प्रोमिनेंट है, जबकि स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी प्लेस पर रहता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक तरह से इनएक्टिव लिसनर का काम करता है, पैसिव लिसनर का काम करता है। वो जो टीचर उसे बता रहा है उसी को वो सुनता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज को हम क्या कहते हैं, ऑटो स्ट्रैटेजी, ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव स्ट्रैटेजीज, जिनको हम प्रजातांत्रिक नीतियाँ भी कहते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं। इसमें स्टूडेंट ऑक्यूपाइज द प्रोमिनेंट प्लेस, यहाँ टीचर का स्थान मुख्य न होके स्टूडेंट का जो प्लेस है, जो स्थान है वो मुख्य होता है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड, कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बेस पर होती है ये, जो स्टूडेंट की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। एंड इन दिस मेथड टीचर्स रोल इज टू प्रोवाइड सम प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन सो दैट ए स्टूडेंट इज एबल टू सॉल्व इट बाय देमसेल्व्स। टीचर केवल यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्रोवाइड करता है ताकि जो बच्चा है वो उसे अपने अनुसार उसका सॉल्यूशन खोज सके। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज आर चाइल्ड सेंटर्ड एंड ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज आर टीचर सेंटर्ड। इसमें टीचर का मेन रोल होता है, जबकि डेमोक्रेटिक में स्टूडेंट का मेन रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आती हैं। तो ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज, जैसा कि जिसमें टीचर मेन होगा, तो इसमें चार स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ बताई हैं। फर्स्ट वन इज़ द लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। सबसे ट्रेडिशनल मेथड है ये व्याख्यान विधि, और इसमें जो है जो टीचर है वो ही और शी विल रिमेन एक्टिव एंड जो स्टूडेंट्स हैं दे रिमेन्स पैसिव लर्नर्स। वो पैसिव लर्नर के फॉर्म में यहाँ काम करते हैं। टीचर ऑक्यूपाइज द प्रोमिनेंट रोल इन द क्लासरूम। टीचर का रोल ही यहाँ पर सबसे मुख्य होता है, और इससे ये कोई वैसे तो नई विधि नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने समय से हम इसी विधि को यूज करते आ रहे हैं। एंड इट इज़ द वेरी सिंपल मेथड। यहाँ पर क्या है कि दो दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल क्लासेस। ये मेथड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर छोटी क्लासेस के लिए, स्मॉल क्लासेस, येट इट कैन बी यूज इन द हायर क्लासेस सक्सेसफुली। हायर क्लासेस में हम इसको सक्सेसफुली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम सिलेबस को
लिमिटेड टाइम में कवर कर सकते हैं। तो लेक्चर मेथड केवल प्रेजेंटेशन पर ही ज़्यादा फोकस करता है। तो प्रेजेंटेशन पर फोकस करने के लिए क्या है, टीचर प्रेजेंटेशन देता रहता है कंटेंट की, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, वो पैसिव लिसनर रह जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें टीचर जो है केवल बालक का ध्यान केंद्रित करने की ही इसमें आदत डाल सकता है, उनसे उस पर कोई अध्ययन के लिए जो प्रेरणा है वो मिलती है बच्चे को, और केवल यहाँ पर कंटेंट के प्रेजेंटेशन पर ही टीचर ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए इसको ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी मिलाया गया। सेकंड वन इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड एंड क्रिएटिव मेथड है टीचिंग का, और इसमें टीचर एज वेल एज स्टूडेंट बोथ रिमेन्स एक्टिव। यहाँ पर दोनों ही क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, टीचर और बच्चा। लेकिन इस मेथड में क्या है कि जो मेन काम है वो टीचर का ही होता है, बिकॉज टीचर जो है बच्चे के सामने कुछ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसे सब बच्चे क्लास में देखते हैं। बट यहाँ इसके डिमेरिट क्या है कि केवल जो अच्छे, जो एक तरह से इंटरेस्टेड लेते हैं बच्चे इंटरेस्ट, वही उसको ज़्यादा ध्यान से देख पाते हैं, और एट ए टाइम सारी क्लास में वो बच्चे उसको अटेंटिवली नहीं लेते हैं। केवल यहाँ पर टीचर ही है जो प्रदर्शन करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है टीचर बच्चों के सामने। स्टूडेंट्स हैव नो राइट टू डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग, केवल वो वही सुनते हैं जो बच्चे को टीचर बता रहे। थर्ड वन इज़ द ट्यूटोरियल टीचिंग, जिसको अनुवर्ग शिक्षण कहते हैं। इसमें जो मैं, जो टीचर है, जैसे पूरी क्लास होती है, उस भरी पूरी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टीचर सारी समस्याएं नहीं बता पाता है, तो इसके लिए टीचर जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ बच्चों के छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं 5 to 10 स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाता है उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस मेथड इज मेनली यूज्ड इन कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स में मोस्ट प्रोबेबली इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। इसमें भी टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल मेथड है, सुपरवाइज ट्यूटोरियल है जहाँ पर टीचर सुपरविजन का काम करता है, ग्रुप ट्यूटोरियल है जिसमें ग्रुप बनाकर टीचर काम करता है, एंड एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल जहाँ प्रायोगिक संबंधित चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ वन इज़ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो द ऑटोक्रेटिक मेथड, अभिक्रमित अनुदेशन, एंड इट इज दिस मेथड जो स्टूडेंट रेस्पॉन्स है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर। एक जिस इंस्ट्रक्टर ने प्रोग्राम बनाया है उसके द्वारा ही कंट्रोल होते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स। तो ये चार मेथड हैं आपके, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये चारों ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज में आते हैं जिसमें टीचर का मेन रोल होता है। दूसरा था हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज, जिनको जनतांत्रिक शिक्षण व्यूहरचनाएं भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक आर बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होती हैं और ये प्यूपल सेंटर्ड हैं, छात्र केंद्रित स्ट्रेटेजीज होती हैं। इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जिनमें से कुछ मैंने इसमें लिखे हैं। फर्स्ट यहाँ पर जैसे है क्वेश्चन आंसर टीचिंग स्ट्रेटेजी, प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में क्या है, बच्चे और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा है हिरिस्टिक मेथड, हिरिस्टिक जो जिसका अर्थ है, जो कि एक ग्रीक भाषा के शब्द हिरिस्को से बना हुआ था, बनाए, और जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। यानी यहाँ पर बच्चे जो हैं खुद अपने आप अपनी मेंटल लेवल पर एक तरह से एक्टिव रहते हैं और उस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान खुद खोजते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें कि बच्चा जो है वो किसी विषय पर प्रोजेक्ट बनाता है या उसका समस्या का समाधान जो है वो प्रोजेक्ट से करता है। यह भी इम्पॉर्टेंट मेथड है प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी, और इसमें प्रोजेक्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपके सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल जिसमें बच्चा
खुद अकेला कार्य करता है, एक प्रोजेक्ट पे इंडिविजुअली ध्यान देता है। कुछ सोशल प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें कक्षा के सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से करते हैं। कुछ और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर एग्जांपल लूँ मकान बनाना इज द तो कंस्ट्रक्ट द हाउस एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। तो ये सारे कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी में आ जाएंगे, ये भी डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसमें कभी अचानक से कोई ऐसी समस्या क्रिएट किए जाए जिससे कि बच्चे के दिमाग में उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल मतलब उसके दिमाग में एक साथ विचारों की आंधी आ जाए और उसके थ्रू वो अपनी समस्या का समाधान निकाले। असाइनमेंट मेथड दत्त कार्यविधि, जिसमें टीचर बच्चे को घर से करने के लिए असाइनमेंट देता है प्रॉब्लम्स की फॉर्म में और बच्चा उन्हें खुद सॉल्व करता है। डिस्कवरी मेथड, ये भी खोज नीति जहाँ पर स्टूडेंट खुद समस्या का समाधान ढूंढते हैं। एंड रोल प्लेइंग, जहाँ पर बच्चा जो है वो भूमिका निर्वहन करता है। तो ये कुछ डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं जिनके डिटेल में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट में इसका रिवीजन कराया। अब मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें कुछ मेथड्स और उनके इन्वेंटर्स के नाम लिखे हैं, जो शायद आपको हेल्पफुल रहेंगे। जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय बीएफ स्किनर। प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी, ये जॉन डीवी के जो शिष्य हैं स्टूडेंट थे WH किलपैट्रिक ने दिया था। ह्यूरिस्टिक मेथड HE आर्मस्ट्रांग ने दिया। ब्रेन स्टॉर्मिंग AF ऑसबॉर्न। डिस्कवरी स्ट्रैटेजी JS ब्रूनर। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ के इन्वेंटर्स के नाम दिए हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उन्हें इजीली बता सकते हैं। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ दूसरा टॉपिक, मेन टॉपिक पढ़ेंगे कोई और, मैं उसे बाद में आपको जब भी मतलब अपलोड करूँगी तो स्टार्टिंग में बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच।